हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत रखकर प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने का विधान है। आज हम जानेंगे आषाढ़ माह के पहले प्रदोष व्रत की सही तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और प्रदोष काल का महत्व। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है, इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए वीडियो को स्किप करके ना देखें, वीडियो को अंत तक ध्यान से सुने और ध्यान से देखें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार कलयुग में भगवान शिव को खुश करने का सर्वोत्तम उपाय प्रदोष व्रत है। प्रदोष काल में भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करने पर उनकी कृपा प्राप्त होती है और हिंदी पंचांग के अनुसार हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। आषाढ़ माह का यानी कि जुलाई के महीने में जो पहला प्रदोष व्रत है वो 7 जुलाई को रखा जाएगा। त्रयोदशी तिथि को प्रदोष काल में भगवान शिव कैलाश पर्वत के रजत भवन में आनंद तांडव करते हैं और सभी देवता उनकी स्तुति करते हैं। इसलिए जो शिव भक्त प्रदोष व्रत रख कर भगवान भोलेनाथ की पूजा करता है, प्रदोष काल में विधि पूर्वक भगवान शिव की आराधना करता है, व्रत रखता है, तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आइए अब जानते हैं प्रदोष व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त। आषाढ़ माह का पहला प्रदोष व्रत 7 जुलाई बुधवार को पड़ने के कारण इसे बुध प्रदोष कहा जाएगा, यानी कि बुध प्रदोष व्रत है। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी तिथि है वो 7 जुलाई को रात्रि के 1:02 से लेकर के 8 जुलाई को प्रातः 3:20 तक रहेगी। प्रदोष काल का जो समय है, प्रदोष व्रत 7 जुलाई को मतलब रखा जाएगा और भगवान शिव की जो पूजा का विशेष मुहूर्त है, प्रदोष काल का जो समय है वो शाम के 7:12 से 9:20 तक रहेगा। आइए अब जानते हैं बुध प्रदोष व्रत की पूजा विधि। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष काल में भगवान को ध्यान में रखते हुए प्रदोष काल में भक्त स्नान आदि करके दिन भर निर्जला या फिर फलाहार व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती के साथ पूजा करनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का जल से अभिषेक करें, रुद्राभिषेक करें, उसके बाद धूप दीप अक्षत रोली मिठाई फल फूल ये अर्पित करें। भगवान शिव को बेलपत्र जरूर अर्पित करें क्योंकि बेलपत्र भगवान शिव को बहुत प्रिय हैं, इसलिए पूजा में बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित करें और माता पार्वती को लाल चुनरी और सुहाग का सामान अर्पित करें। आइए अब जानते हैं प्रदोष व्रत का महत्व। दोस्तों, बुध प्रदोष व्रत जो है वो भगवान शिव का व्रत रखने और पूजन करने से बुध दोष दूर होते हैं, वाणी दोष दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस दिन व्रत रखने से भगवान शिव शंकर सभी संकट दूर करते हैं और घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। आज के दिन यानी कि प्रदोष काल में रात्रि के समय यानी कि प्रदोष के समय, प्रदोष काल के समय में जो मैंने अभी पूजा का समय बताया है, प्रदोष काल में भगवान शिव को जल में कच्चा दूध मिलाकर स्नान कराएं और उनके समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से
सफलता कार्यों में सफलता मिलती है और मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। प्रदोष काल में शिव पूजा के समय तांबे के लोटे से शुद्ध शहद की एक धारा के साथ शिवलिंग पर अर्पण करें और ओम सर्व सिद्धि प्रदाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करने से सभी तरह की परेशानियों का अंत हो जाता है। प्रदोष के दिन कच्चे दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें। ऐसा करने से सुख समृद्धि और पारिवारिक शांति और दाम्पत्य सुख प्राप्त होता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप व्रत रखते हैं तो आपको प्रदोष व्रत की कथा जरूर पढ़नी चाहिए और सुननी चाहिए। व्रत कथा पढ़े बगैर और अगर आप व्रत कथा नहीं पढ़ते हैं तो आप शिव चालीसा का पाठ करें, लेकिन व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए, तभी व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। हो सकता है आपके द्वारा शेयर करने पर इस जानकारी से किसी का भला हो जाए। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।